नहीं तो छुट्टी चल रही थी तब से यार। इनके बारे में नहीं जानता था। वीवो ने भी एंजॉय किया दोस्तों, ठंड में, गर्मी में, बारिश में हम जा रहे हैं और हमारे गनर भाई लोगों को भी दिक्कत। तो बताना आप लोग कैसी लग रही है बाकी ये कंप्लीट। देखा मैंने मौज करावा है, तैनू मौज कर। नहीं हुए स्कूल जाने के लिए कभी? हम तो जिस दिन बिना बैग के जाना होता था उसी दिन एक्साइटेड हो। जूस चाहिए? ठीक है विवान को जूस चाहिए लेकिन दिलाएंगे नहीं क्योंकि। मिल्क बादाम पिलवाओगे क्या? मिल्क बादाम मेरा तो। गाइस हम लोग आए थे गढ़वाल डोसा खाने। बरेली में ऐसा कोई कोई होगा जो भी इनके बारे में नहीं जानता था। वीवो ने भी एंजॉय किया डोसा, रात का थोड़ा सा मुझे दे दिया। लो वीवो हो गया डन। चलो बस चलो। मिल्क बादाम पिलवाओगे क्या? मिल्क बादाम मेरा तो डोसे से इतना पेट भर गया। वीवो आपको पीना है मिल्क बादाम? तो राजनगर चलना पड़े। ये मम्मियों का बेस्ट वो होता है कि जो चीज आपको खानी है आप बच्चे से कहलवा दो, बच्चे की बात तो मानेंगे ही उनके पिताजी। वीवो और क्या खाना है? वीवो वीवो एक एग, मतलब गाइस एग मतलब किंडर जॉय चाहिए इनको, ठीक है वो वाला एग नहीं। और वीवो अगले हफ्ते डोमिनोज पिज्जा चले क्या? हाँ। ओके वीवो। हाँ। आ गए बादाम शेक पीने। मेरा मन कर रहा था आज बहुत ज्यादा बादाम शेक पीने का। क्या रुको मम्मा? हाँ जूस जूस चाहिए? ठीक है विवान को जूस चाहिए लेकिन दिलाएंगे नहीं क्योंकि कोल्ड हो रहा है इसको। अजितेश कह रहे थे मेरा तो पेट भर गया तुम्हारे लिए दिला दे रहा हूँ। मैंने ठीक है भाई दिला दो। देखिए गाइस विवान आ गए। हेलो अपने पापा की सीट पे। विवान क्या कर रहे हो? वीवो गाना लगा रहे हो? वीवो हाँ एटी शैतानी एटी, अब ऐसे शैतानी होंगी वीवो। लो डैडी आ गए वीवो। अरे यो जैसे ही आया तुम आए तुरंत पीछे पीछे चला गया बोला। चीयर्स गाइस सॉरी। फिर से चीयर्स करो लोग कहीं ये लोग चीयर्स ही करते रहते हैं। गाइस पूरी ठंड इसने स्कूल बिना जाए निकाल दी, मतलब इसकी क्या गलती? छुट्टी है पड़ी हुई थी। फिर हम लोग थोड़ा अपने लाइफ में वो हो गए थे कि स्कूल ही भेज पा रहे थे। नहीं तो छुट्टी चल रही थी तब से यार। हाँ। और अगर छुट्टी नहीं भी चल रही थी तो और जिस हिसाब से ठंड पड़ रही थी उसमें तो भैया अभी भी लड़के को खांसी हो रही है धूप निकल, क्योंकि जिस तरह की हवा चल रही है ना उस समय, इस समय ठंड लगने वाली है। एक बार कोहरा हो रहा हो तो बच्चा पैन वैन के चला जाए लेकिन ये हवा में कैसे खुद को रोक पाए। मम्मा कैसी बातें कर रही है मम्मा। खुद ही बैग उठा के टांग दिया है और आफत करे पड़ा है। चलो डैडी मुझे कभी इतनी आफत नहीं हुई, सच बता रहा हूँ। स्कूल जाने के लिए मैं तो रोता था, मेरा मन ही नहीं करता था लेकिन देखो तो हेलो गाइस नहीं कराया अभी तक। कहाँ जा रहे हो? आज खुद ही उठा के टांग दिया है। ओ भाई जाइए 10 मिनट है। 7 बज जाए इनको, फिर 7 बज जाए पता है। अच्छा मुझे बचपन में से 2 बज जाए पता था, इनको 7 बज जाए। तो तुम्हारा गलत शिक्षा दे रही हो। 7 बज जाए
चलो 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 शिवो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। विवो कहाँ जा रहे हो आप? अरे 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 कहाँ जा रहे हो बताओ तो। अरे 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 कैसा लग रहा है विवो इतने टाइम बाद स्कूल जाके? अच्छा कुछ बोलो। नजर है विवान की स्क्रीन पे। फीलिंग गुड। फीलिंग गुड कह रहे हैं। गाना चला दो बस। कौन सा वाला खुद उठा लाएंगे। जीने में रखा है डस्टबिन। तुम्हारा क्या हुआ उसका रोड का कुछ? चलेंगे मेयर अंकल से मिलने। कब चलना है? चलेंगे। विवो बना हुआ क्या है वो? विवान की खुशी देखिए गाइस। विवो क्या बना है वो स्कूल के बाहर? क्या बना है विवो? मिक्की माउस। अभी कह रहे थे ओ मिक्की माउस, मिक्की माउस। अरे बस 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 बस। अरे भैया बस बस बस। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई भाई, बहुत ज्यादा। इतने एक्साइटेड तो हम भी नहीं हुए स्कूल जाने के लिए कभी। हम तो जिस दिन बिना बैग के जाना होता था उसी दिन एक्साइटेड होते थे कि हाँ भाई चलो आज पढ़ाई नहीं हुई, कोई प्रोग्राम होगा। न्यू टीचर आ गई मैम की लग रहा है। न्यू टीचर है बुआ जी। अरे तुम तो पागल हो। अरे तो क्या हो गया? मुझे नहीं पता, मैं भी रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार तो तुम्हारे हैं। मेरे रिश्तेदार अच्छा। हाँ मैं वीवो बाय बाय बाबू लव यू। तो गाइस हम आ गए थे घर पर और भाई खाली समय है। खाली समय क्या है, अजितेश कुछ काम से गए हैं। मैं अपनी जो मेरी पेंटिंग का वर्क चल रहा था इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने बनाई है तीसरी पेंटिंग, चौथी है, एक मैंने ड्रॉ कर लिया उसका कलर बाकी है। तो बताना आप लोग कैसी लग रही है। बाकी ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको शो करूँगी। इसको मधुबनी आर्ट बोलते हैं गाइस। तो ये मैं स्कूल टाइम पीरियड में भी बहुत करती थी अपने मधुबनी आर्ट्स। तो अब भी भूत जाग गया है मेरे अंदर मधुबनी आर्ट्स करने का। और ये हम फैब्रिक वैब्रिक पे भी ये प्रिंट कर लेते हैं। मैंने करे थे एक टाइम पर दुपट्टे वगैरह अपने प्रिंट। तो आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही हमें ब्लेसिंग्स देते रहिए, क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग्स से पता नहीं हम कहाँ 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 पहुँच जाएँ हम लोग। और आप लोग की ब्लेसिंग की वजह से ही हुआ है जो कुछ हुआ है, जो गाड़ी ली है हम लोगों ने, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नीड थी। कभी कभी हमें बहुत ख़राब लगता था कि हम ठंड में, गर्मी में, बारिश में हम जा रहे हैं, और हमारे गनर भाई लोगों को भी दिक्कत होती थी। लेकिन अब सारी दिक्कतें ख़त्म होती चली जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब सही बता रही हूँ, मेरे पास ना शब्द नहीं है कि मैं किस तरह आप लोग का शुक्रिया अदा करूँ। और जो बड़ों की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकती ऑन कैमरा, जो हमें आशीर्वाद दिए रहते हैं हमेशा और हमें सपोर्ट करते रहते हैं। काफ़ी लोग बड़े लोग ऐसे हैं, उनके लिए भी दिल से शुक्रिया, क्योंकि वो लोग भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं। तो थैंक यू। आप लोग बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। लव यू ऑल। और जिसकी जल रही है वो अपनी जलाते रहिए। बाय गाइस।